गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उधर में पूर्वी दिल्ली के 52 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारे साथ एसीपी प्रीत बिहार है जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाई थी। सर, किस तरीके से आखिर किसान का जो रैली है कैसे वो उपद्रव में बदल गया? इसमें देखिए, जो किसान भाइयों ने अपना ट्रैक्टर मार्च निकालना था, वो ट्रैक्टर मार्च किसान मोर्चा के जितने भी नेता थे उन्होंने स्वयं आपसी रजामंदी से उसका डेट, उसका टाइम, उसका प्लेस और सारी कंडीशंस मीटिंग्स वगैरह करने के बाद स्वयं तय की थी और उन्होंने वायदा भी किया था कि हम अपने इस प्रकार दिए गए प्रोग्राम को इसी तरीके से लागू करेंगे। तो उसी के तहत उनके साथ हमारे सीनियर ऑफिसर्स द्वारा रेगुलर मीटिंग और उनके उनके दिए गए विश्वास पर कि उन्हीं के नेता अपने इस ट्रैक्टर रैली को फ्रंट से लीड करेंगे, अपने वॉलंटियर्स देंगे और दिए गए मार्ग से समय से परे नहीं हटेंगे और समय से पूर्व अपने इस कार्य को शांति से समाप्त करके वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो इन्हीं विश्वास पर, इन्हीं की एश्योरेंस पर 3 दिन से हमारी पूरी दिल्ली पुलिस पर्टिकुलर और ईस्ट दिल्ली में भी तमाम फोर्स अपने शांति, संयम और मनोबल से कार्य को निष्पादन करने के लिए रेडी थी और उसी के तहत जहाँ जहाँ भी उनकी अपने दिल्ली वासियों की शांति मेंटेन करने के लिए, प्रोसेशन को ठीक से निकल जाने देने के लिए जगह जगह पर हमने अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस लगाया हुआ था। अब इसमें उनके मन में क्या था ये तो तब हमें अचानक हमें पता चला कि जब सुबह अपना सबसे पहले उन्होंने अपनी समय सीमा को तोड़ा और गाजीपुर फ्लाईओवर ऊपर से नेशनल हाईवे 9 और 24 से उन्होंने उनके जो लोग थे वो बिना पूर्व सूचना के और अचानक से उन्होंने अपने हमारे लगाए हुए बैरिकेड्स के ऊपर जो है एक प्रकार से अटैक कर दिया, अनइनवाइटेड अटैक कर दिया, जिसके तो पहली ब्रिगेडिंग सर वो गाजीपुर फ्लाईओवर के पास तोड़ी गई थी। हाँ, ऊपर जिस रूट से इनको नहीं आना था उस रूट से इन्होंने फॉलो ना करते हुए जिस मार्ग पर नहीं जाना था वहां पर लगे हुए बैरिकेड्स को जबरदस्ती इन्होंने तोड़ा। वहां के स्टाफ के साथ इन्होंने उनके दिए गए वार्निंग्स को कोई अटेंशन पे नहीं किया, उनके साथ उनकी ड्यूटी में मुखालवत की। किस चीज से तोड़ा था सर उन लोगों ने बैरिकेडिंग को? हाँ, ये काफी संख्या में उनके ट्रैक्टर्स थे, उनके काफी संख्या के लोग थे जिनके हाथों में ऐसी वो चीजें थी जो उनके द्वारा प्रॉमिस करने के नहीं होनी चाहिए थी, वो भी थे, डंडे थे, तलवार थे, भाले थे और ट्रैक्टर्स थे जिनपे डिफरेंट किस्म की उन्होंने ऐसा अपरेटस लगा रखा था कि उनको बैरिकेड्स को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा करके वो आगे निकले थे। और इसमें हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो उस पर ड्यूटी पे थे उनको चोट पहुंची, वहां जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इवन श्रीमान राकेश टिकैत जो नेता थे जिनको इसका नेतृत्व करना चाहिए था उन्होंने अपनी इन चीजों को कम्प्लीटली धत्ता देते हुए गाजीपुर राउंड अबाउट पर इस पूरे हंगामे के दौरान सर राकेश टिकैत वहां मौजूद थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो वहां नहीं थे, वो जो उपद्रवी है उन्होंने अपने मन से ये सब काम किया है, जो लोग उपद्रव किए हैं वो किसानों के रैली में शामिल नहीं थे। देखिए, जिस मौके पर श्रीमान टिकैत साहब अपने ट्रैक्टर और साथियों के साथ आए थे उस रूट पर हमारी डब्ल्यू इंस्पेक्टर जो है पुष्पलता जी, डब्ल्यू सब इंस्पेक्टर सुमन और अन्य लोग वहां पर मौजूद थे। जिस समय वो अपना समय का पालन ना करके, दिशा का पालन ना करते उनके बैरिकेड्स को उन्होंने टक्कर मारी तो उन दोनों ने उनको प्यार से समझाया था कि देखिए ये जगह आपके निकलने के लिए नहीं है, ये समय आपके निकलने के लिए नहीं है, आपका रूट दूसरा है, आपको उस तरफ से आना चाहिए। लेकिन उन्होंने उन दोनों महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई चेतावनी पर कोई गौर नहीं फरमाया, उनके साथ जद्दोजहद की, उनकी बैरिकेड्स तोड़ दिए और वहां पर उपस्थित एक और इंस्पेक्टर्स है और सब इंस्पेक्टर्स है उनके चोट आई, बैरिकेडिंग्स को इस तरीके से उछाला कि सामने वाले हमारे पुलिस अफसर को
जान का खतरा हो सकता था उठा करके नाले में फेंक दिए और तमाम को तोड़ते हुए लीड करते हुए अपना वहां से फिर और आए भी हैं और ये सब सक्षम नजर ही आ रहा था वहां। तो वहां से फिर आगे बढ़े सर, फिर जो है जो अक्षरधाम मंदिर के पास है वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, वहां पर क्या कुछ हुआ था? और वहीं नहीं, उससे पहले भी हमने 3 पॉइंट्स ऐसे थे कि जो केवल इस तरीके से लगाए थे कि भाई ये ताकि अपना रूट प्रॉपरली उस जगह से जाए कि जो बाकी के जो हमारे नागरिक हैं उनकी जान माल को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनकी आमदो रफ्त आराम से चलती रहे, उनके चैन अमन में कोई बाधा ना आए, क्योंकि लेकिन उन्होंने उन चीजों का भी कोई मान नहीं रखा और अपने अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए इल्लीगल वे में अपनी उस मोब में ना अनलॉफुल सिस्टम सब बना करके उन्होंने डैमेज करते हुए, और डेफिनेटली वहाँ जो हमारा सेकेंडरी लेवल जो एक बनाया हुआ था कि वहां तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने वहां भी कुछ तो घातक हथियार थे, कईयों के पास भाला था, तलवार थी, तलवार के द्वारा अटैक भी किया गया हमारे पुलिस अफसरों को, वहां पर कई पुलिस अधिकारियों को चोट भी पहुंची है, पूरे डैमेजेस हैं। और लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हमने अपने संयम से काम किया, शांति से काम किया, मनोबल हाई था, हमारा पर्पज सिर्फ इतना था कि भी इनके द्वारा दिया गया जो सम्मानजनक कॉल है उसको सम्मानजनक तरीके से ही पूरा हो। सर क्या लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से ये लोग ये सोच के आए थे कि इस तरीके की हरकत करना है या फिर अचानक हुआ था? देखिए अगर ये समय से चलते तो कहा जा सकता था कि एक बार तो कि हाँ इनके मन में ऐसी कोई धारणा नहीं होगी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले समय का ही अवहेलना की। इससे पहले इसका मतलब यह है कि इन्होंने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी थी कि हमने किसी किस्म से ऐसा नहीं करना और राष्ट्रीय पर्व देश का एक गणतंत्र दिवस का समारोह था उसमें इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से हो सकता है दिल्ली में शांति को डिस्टर्ब करने के लिए मंतव्य बनाने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानबूझ कर ये कार्य अपने लीडरशिप में किया। सर ये किसान थे या किसानों के भेष में कुछ उपद्रवी वहां पहुंचे थे, क्या लगता है आपको सर जिस तरीके से आप वहां लगातार मौके पर मौजूद थे? नो डाउट, देखो जी ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भी आदमी गलत काम करेगा उसे उपद्रवी ही कहा जाएगा, जो आदमी इसका पार्ट है उसे पता है और इसमें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो नेचुरली अगर इन्होंने जिम्मेवारी तो इन्हीं की थी और प्रॉमिस भी इन्होंने ही किया था, कॉल भी इन्हीं की थी और समय भी इनका था, स्थान भी इन्हीं का था और सुरक्षा और शांति बनाए रखने का वायदा भी इनका था, तो ये इन्हीं की जिम्मेवारी थी, तो इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के साथ बैठे, इन्हीं की जिम्मेदारी पड़ती है, वही फिर उनकी उनका खमियाजा कि इनको भी अपने सिर पे इसकी जिम्मेदारी लेनी बनती है। हमारे लिए तो कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई गलत काम करता है तो कानून की नजर में उसे उसी तरीके से उसका फिर भुगतान भी करना पड़ सकता है, तो ये जो जैसे कार्य उन्होंने किए हैं उस तरीके से उनको कानून की दृष्टि से जो कार्य होगा वो किया जा रहा है। तो ये है वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, इनका कहना है कि जिस तरीके से किसानों का रैली के दौरान जो उपद्रवियों ने हमला किया वो कहीं ना कहीं सुनियोजित थी, क्योंकि अगर ये सुनियोजित नहीं होती तो वो जो चीज उन्होंने मान के तय रूट मांगा था, जो नियम उनके साथ मिलकर बनाए गए थे उनका ये लोग उल्लंघन नहीं करते। एसीपी सर का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहित खान, दिल्ली, ईटीवी भारत।